दोस्तों हफ्ते में बस 3 बार इसे पी लीजिए, हाथ पैर कमर का दर्द, थकान, कमजोरी, कैल्शियम की कमी आपको जीवन में कभी भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी इसी बारे में जानेंगे। क्या आपके शरीर में हमेशा थकान रहती है, सुस्ती रहती है, काम करने को मन नहीं करता है, बिना कोई काम किए ही आप थके थके से फील करते हैं? ऐसा होता है कई बार कि आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं बट आपको लगता है कि कितना थक गया हूँ, कितना सारा मैंने काम किया हुआ है। हाथ पैर कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, या फिर आपके पैरों से आवाज आती है, यानी कि घुटनों से जहाँ जोड़ है वहां से आपको आवाज आती है कट कट की। स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की वजह से आपको नींद नहीं आती है, आप अक्सर बीमार पड़ जाया करते हैं, या फिर आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पर झुर्रियां आ जाती हैं, या फिर पिंपल्स की समस्या होने लगती है, आपकी स्किन की ग्लो खत्म हो जाती है, यानी कि ये सभी नेचुरली प्रॉब्लम आ जाती हैं आपकी बॉडी में, यानी कि बहुत आसानी से आ जाती हैं आपको ये प्रॉब्लम और समझ में भी नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम आपको इसी सब को खत्म करने के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि बताने जा रहे हैं। ये औषधि कमाल की है, जो आपकी इन सभी बीमारियों को दूर करने में रामबाण औषधि की तरह से कार्य करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं इस औषधि को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा और किस तरीके से आपको इसे बना करके तैयार करना है। सबसे पहले आप 1.5 कप दूध ले लीजिए, इसे एक बर्तन में आपको डाल लेना है। जो दूध नहीं पीते हैं वो बादाम का दूध ले लें, या फिर सोया का दूध आता है वो ले लीजिए मार्केट से। उसके बाद आपको मखाने लेने हैं एक मुट्ठी, यानी कि फोक्स नट इसे बोलते हैं। आप जो पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद होता है उसमें अक्सर इसको डालते हैं, यही मखाने आपको ले लेने हैं। ताकत का ये खजाना है। आमतौर पर लोग व्रत और उपवास करते हुए देखा होगा कि मखाने का इस्तेमाल करते हैं। ये जब आप उठाएंगे हाथों पर बहुत हल्के होते हैं, लेकिन इनके फायदे जो हैं वो बहुत भारी होते हैं, कमाल के होते हैं। अक्सर आपने प्रसाद में इसे खाया होगा, पंजीरी वाले प्रसाद में। यानी कि बहुत से औषधीय गुणों के खजाना के रूप में कार्य करते हैं, हमें बहुत सी गंभीर बीमारियों से बचाने की ताकत रखते हैं। पेट के रोगों को ठीक करने के लिए ये मखाने रामबाण औषधि की तरह से कार्य करते हैं, और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसे जब दूध में आप डालते हैं तो और बढ़ जाता है कैल्शियम, जो कि आपकी हड्डियों को बिल्कुल मजबूत बना देता है, स्ट्रोंग बना देता है और दांतों को मजबूत बना देता है। इसके साथ साथ आपके जोड़ों के दर्द, यानी कि जो हमने बताया पैरों में कट कट की आवाज़ आती है, वो दूर करता है। आपके जोड़ों में कहीं भी दर्द हो, गठिया हो, उसको जड़ से मिटाने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरा हुआ औषधि है, जो कि हर उम्र के लोगों को आसानी से हजम हो जाती है और आसानी से ये फायदा देता है। बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी इसका सेवन कर सकते हैं। ये सेहतमंद रखने के साथ साथ अच्छी बात यह है कि आपको सुंदर भी बनाते हैं, यानी कि आपकी सुंदरता में भी निखार लाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और साथ में फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं आने देती हैं और ग्लो ला देते हैं। बढ़ती उम्र का असर कम दिखने लगता है, यानी कि आप उम्र से कम के दिखने लगते हैं। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत दिन से परेशान है, तो पति पत्नी दोनों को मखाने का सेवन करना चाहिए। दूध में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आपको बच्चा हो जाएगा। इसके अलावा भी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो हमने दूसरे एपिसोड में फर्टिलिटी वाले में बताया है कि आपके अंडे कैसे बनेंगे अच्छे, वो दूसरे एपिसोड में ज़रूर जा करके देखिए, इसी चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। मखाने में पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, इसकी वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ जिनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहता हो, ज्यादा रहता हो, उनके लिए मखाने बहुत अच्छे होते हैं। अगर हर रोज वो मखाने का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में ब्लड का शुगर का लेवल जो है वो हमेशा ही सही बना रहता है, सामान्य बना रहता है। यानी कि अगर आपको फ्लक्चुएशन है शुगर लेवल में तो ये बहुत ही कमाल की औषधि है इसके लिए। इससे स्ट्रेस दूर होता है, तनाव दूर होता है। दूध आप जानते हैं कि रात में लेते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है, उसमें मखाना डाल करके शाम को सेवन करते हैं 1 गिलास की मात्रा में तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। और बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, वो नींद की गोलियां खाते हैं, अनिद्रा की दवा लेते हैं, उससे अच्छा है आप इसको लीजिए। शरीर की ताकत भी बढ़ेगी, नेचुरल औषधि है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपको फायदे जो होंगे वो कमाल के होंगे। नींद
ना आने की जिनको भी समस्या है उन्हें मखाने का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ये किडनी के लिए टॉनिक की तरह से कार्य करता है। किडनी और स्प्लीन को ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, आपके ब्लड को भी साफ कर लेता है इस वजह से। और अगली औषधि जो आपको लेना है वो खसखस के बीज लेना है। आपको एक चम्मच खसखस के बीज लेना है। एक चम्मच जो खसखस का बीज जो है वो आपके लिए पर्याप्त तो होता है। इसे इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहा जाता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर तीनों का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है खसखस। इसमें बहुत से फाइटोकेमिकल्स, विटामिन बी, थायमिन, कैल्शियम और मैग्नीज भी पाया जाता है। खसखस को प्यास बुझाने के लिए एक अच्छे शरबत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खास करके गर्मियों के मौसम में। लेकिन ये सूजन से राहत दिलाता है। अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है या फिर आपके जोड़ों में सूजन है तो ये बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में कार्य करता है। आपके जोड़ों से सूजन को हटाता है, जिसके वजह से जोड़ों का दर्द जो होता है वो कम हो जाता है। ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर हम स्वस्थ हैं तब भी लेते हैं तो ये बीमारियां हमें फ्यूचर में होती नहीं है, और ये बीमारियां हैं तो उनको दूर करने में मदद करता है। ये सभी उम्र के लोगों के लिए अच्छा है। बच्चे लेंगे तो उनकी हाइट भी अच्छे से बढ़ती है, बुजुर्ग लेंगे उनके शरीर में थकान जल्दी नहीं होगी और उनको जोड़ों के दर्द की शिकायत नहीं होगी। पेन किलर का ये कार्य करती है। जी हाँ, नेचुरल पेन किलर है, यानी कि पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो तो खसखस का सेवन कीजिए, उससे राहत मिलेगी आपको। इसके अलावा इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें जितना वजन लेंगे उससे 20% ज़्यादा ही फाइबर पाया जाता है। और फाइबर का काम क्या है, अगर किसी को कब्जियत की शिकायत है तो उसको दूर करने के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है, और वो इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए ये कब्ज को तो जड़ से मिटा देती है। इसके अलावा सांस की बीमारियों के लिए, यानी कि जिनको अस्थमा या श्वसन संबंधी कोई जैसे कि साइनस की प्रॉब्लम है, उनके लिए खसखस बहुत अच्छी औषधि है। खसखस इम्यूनिटी को बढ़ाती है, शरीर को ताकत देती है खसखस, और कमजोरी को हमेशा के लिए दूर करती है। तो एक चम्मच खसखस आपको लेना है। और साथ ही साथ जो अगली चीज इसमें जोड़ना है आपको वो है छोटी इलायची। दो छोटी इलायची अच्छे से आप पीस लीजिए और उनका जो बीज का पाउडर होता है वो इसमें आपको जोड़ लेना है। छोटी इलायची आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है, विषैले तत्वों को बाहर कर देती है और आपकी बॉडी में नई एनर्जी, नई चुस्ती लेकर के आती है, ताजगी लेकर के आती है। साथ ही साथ जब आप इलायची इसमें मिलाते हैं दूध में और खसखस में, या फिर आप चाहें तो दूध में और मखाने में, तो क्या फ़ायदा होता है कि जिनको हजम नहीं होता है, जिनका हाजमा कमज़ोर होता है, उनको आसानी से हजम हो जाता है। जिन्हें भी दूध ना हजम होता हो दोस्तों, उनको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इलायची डाल के दूध पीजिए, आपका दूध आसानी से हजम होने लग जाएगा और शरीर में फुर्ती आ जाती है। ब्लड फ्लो आपके शरीर का जो होता है सर्कुलेशन, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि शरीर के हर एक अंग में ब्लड आसानी से पहुंच जाता है और फ्लो जो है वो सही हो जाता है। आप एक्टिव हो जाते हैं, सुस्ती कम होती है, आप एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं। ये स्ट्रेस को दूर करने का कार्य करते हैं, यानी कि आप रिलैक्स फील करते हैं, आप कम्फर्ट फील करते हैं। इन सभी चीजों को आपको दूध में डाल करके उबालना है 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इन तीनों चीजों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके तत्व हैं हमारे शरीर को फायदा देने वाले, वो दूध में अच्छे से घुल जाएं, अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद इसका सेवन करना बेस्ट रहता है। आप जानते हैं इसे 7 से 10 मिनट तक आप उबाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चीनी या फिर मिश्री मिला दीजिए, मिश्री तासीर में ठंडी होती है, वो मिलाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चीनी की जगह पर चीनी और ये जो व्हाइट चीज़ें होती हैं तीन, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन तीन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। क्या क्या आपको याद होगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। चीनी, नमक और मैदा, ये तीन सफ़ेद चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो इसीलिए इसमें मिश्री मिलाइए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा पैसा भी आपका नहीं लगना है इसके लिए। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल लीजिए। इसके बाद दूध को आपको छानना नहीं है, वैसे ही पी लेना है, कोई चीज़ फेंकने नहीं है। खसखस और मखाने दोनों का सेवन करना है। खसखस खीर की टाइप की बन जाएगी और मखाने उसमें रहेंगे, उनको चबा करके खा लीजिए। आप इसको सप्ताह में 3 दिन लीजिए, एक दिन छोड़ करके एक दिन ले लीजिए। 7 दिन आते हैं तो एक दिन का गैप
फास्टिंग रखिए सप्ताह में, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है जो सप्ताह में एक फास्टिंग करेंगे। और इसके बाद एक दिन आप इसका सेवन कीजिए, एक दिन मत कीजिए। शरीर की कोई भी कमजोरी हो, चाहे पुरुषों की, स्त्रियों की, बच्चों की, सबको फायदा होता है। फर्टिलिटी संबंधी जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। बच्चों की हाइट बहुत अच्छे से बढ़ती है, दिमाग बहुत तेज होता है, एक्टिवनेस बॉडी में बढ़ती है, शरीर का दर्द दूर होता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग हैं सभी सेवन कर सकते हैं, बस बच्चों को थोड़ा सा कम दिया कीजिएगा। और इसका सेवन जो है सही समय वो रात को है, रात को सेवन करेंगे आपके शरीर को ज्यादा फायदा होगा। और इसे पी करके आपकी जो कमजोरी है वो जड़ से मिट जाएगी, थकान की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग होगा, ताकत आएगी, और कैल्शियम की कमी तो हमेशा के लिए दूर रहेगी। ये टॉनिक जो है आपके पूरे जीवन काम आएगा, इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें मुख्य बात जो है वो ध्यान दीजिए कि क्या है, आपको मुख्य बात का ध्यान देना ये कि आप जब भी इसका सेवन कीजिए, कोशिश कीजिए कि रात में कीजिए, सोने से पहले। जी हाँ, दूध का बेस्ट समय जो होता है सेवन करने का वो रात का है। बड़े जो हैं वो एक गिलास तक इसका सेवन कर सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको आधे गिलास से थोड़ा सा कम दीजिए, बुजुर्गों को भी आधे गिलास से कम ही दीजिए, आधा गिलास तक दीजिए। ज़्यादा देंगे तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, खास करके सर्दियों में और थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं इससे, लेकिन अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है इसमें थोड़ा कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाचन क्रिया हमारा उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखने वाली, गर्मियों में भी थोड़ा कम ही सेवन करना चाहिए। हाँ, सर्दियों में ये भरपूर सेवन कीजिए, आपके शरीर के लिए रामबाण औषधि है, ताकत बहुत ज़्यादा लाती है आपके शरीर में। आप हमेशा चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं बिल्कुल फिट रहें, सबसे फिट रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी जाएं उनका नाम हो, नाम आपका रोशन करें और मेहनती बने। तो इसके लिए उनके शरीर में एनर्जी चाहिए, उनकी हाइट अच्छी चाहिए, उनकी ग्रोथ अच्छी चाहिए, उनका माइंड बहुत ही पावरफुल चाहिए, और उसके लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। आपको कुछ नहीं करना है, घर में सिंपली इन चीज़ों को मिल जानी है, लेकर के आइए और उबाल करके बच्चों को दीजिए, खुद भी सेवन कीजिए। सप्ताह में कम से कम दो दिन, तीन दिन जरूर इसका सेवन कीजिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये आयुर्वेदिक औषधि रामबाण औषधि की तरह से कार्य करती है। ध्यान क्या रखना है, रात में ही सेवन करना है इसका। तो ये आज की वीडियो रही आपके लिए, उम्मीद है आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो आपका कुछ नहीं लगता है, पर आप जब कमेंट करते हैं तो यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है, और अगली वीडियो और अच्छा लेकर के आने के लिए जोश आता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।